हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 अप्रैल 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा है वो है हेल्प के बारे में, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी को लेकर। कंटेक्स्ट ये है कि कैबिनेट कमेटी ने इसके अप्रूवल को बाद इसको स्टार्टिंग एक्टिव फॉर्म में ला दिया है, तो उसको लेकर कंटेक्स्ट वगैरह है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि हेल्प है क्या, यूपीएससी वहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह के थ्रू उनके बारे में क्वेश्चन वगैरह में भी पूछ सकती है। देखो उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि भी गवर्नमेंट की जो नई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो इसमें कुछ प्रावधान इस तरीके से किए गए हैं कि एक तो देखो जो भी लाइसेंस वगैरह दिया जाएगा ना उसमें प्रोडक्शन वगैरह के लिए काफ़ी इजी तरीका रहेगा। पहले देखो क्या रहता था हमारे देश में कि जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन करना मतलब उत्पादन करना है तो उस कंडीशन में से एक कंपनी है उसको उस कंपनी से एक कंपनी ने इस वाले ये कोई एरिया है इसमें यहाँ पे पेट्रोल की यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और उसको यहाँ पे दूसरा फ्यूल भी मिल गया तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके अलावा से यहाँ पे उसको गैस का प्लांट मिल गया तो उसके लिए गैस का सॉरी ब्लॉक मिल गया तो उसके लिए गैस के लिए उसे अलग से लाइसेंस लेना होता था, तो मतलब अलग अलग लाइसेंस लेने होते थे। बट अब गवर्नमेंट ने यह प्रावधान कर दिया कि भाई अगर आपको यहाँ पे एक कोई भी मतलब एक आपने इस वाले एरिया में अगर आपका सारा एरिया कवर रहेगा और यहाँ पे अगर आपको पेट्रोल मिला है डीजल मिला कुछ और भी मतलब पेट्रोल प्रोडक्ट मिल रहा है जैसे गैस मिल गई या फिर सीएनजी वगैरह कुछ भी है तो वो सारे आप ही इस वाले एरिया में एक्सपोर्ट उत्पादन है वो करोगे। इसके साथ ही एक सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है काम का वो है ओपन एक्रेस पॉलिसी ऑप्शन के बारे में। तो ये यूपीएससी पूछ सकती है ओएपीओ के बारे में कि ओपन एक्रेस पॉलिसी ऑप्शन है क्या। ओपन एक्रेस पॉलिसी ऑप्शन है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि देखो जैसे कि कोई भी कंपनी और उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई इस वाले एरिया में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे फ्यूल वगैरह काफ़ी अच्छा है और गवर्नमेंट उस ब्लॉकेट को एक्चुअली देख लेती है कि गवर्नमेंट भी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है तो उस कंडीशन में जो कोई कंपनी है ना वो कंपनी गवर्नमेंट के पास जाके कह सकती है कि भाई आप इस एरिया की बोली है वो लगवा लीजिए हम इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। तो मतलब ओपन एक्रेस पॉलिसी ऑप्शन है ये प्रावधान किया गया है। तो इसका फायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने खुद ही कस्टमर वो आ जाएंगे कि हाँ भाई आप इसकी बोली लगवाइए, उसके बाद गवर्नमेंट 6 महीने के बाद उसकी बोली है वो लगवाएगी और उस तरीके से इसका ये हो जाएगा कि जो भी हाइड्रोकार्बन की जरूरत होगी या जो भी एनर्जी की जरूरत होगी उसको कंप्लीट है पूरा वो किया जा सकेगा। तो ये इसके लिए एक अच्छा प्रावधान है वो किया गया। तो ये वर्ड हमें एक ध्यान में रखना है, ये आप यूपीएससी में भी वगैरह पूछ सकती है। और इसमें और जो बेनिफिट वगैरह के हैं वो यही है कि अभी जो भी हाइड्रोकार्बन उसको ईजिली एक्सेस मिल जाएगी और जो भी कंपनी वगैरह है वो आराम से प्राइस वगैरह को भी कंट्रोल वगैरह कर सकती हैं और इसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है वो लाया गया है। तो ये मेनली ये पॉइंट्स तो मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो बाकी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि हेल्प है क्या। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आ जाए वो है आईएसए के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो कंटेक्स्ट ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको लेके ही है भाई हमारे प्रधानमंत्री साहब उस मीटिंग वगैरह हुई थी सेक्रेट वगैरह की। तो अब चलते हैं आगे। आगे इसका मेन सीन है कि आईएसए के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यह एक मात्र पहली ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है जिसका जो सेक्रेटेरिएट है वो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे, गुरुग्राम या गुड़गांव में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पहली इंटरनेशनल बॉडी है जिसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर वो इंडिया में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको मैं एक्चुअली ये प्रावधान किया गया कि जो भी सोलर कंट्रीज हैं मतलब जहां पे सनलाइट है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है कौन सी कर्क रेखा से लेके जो मकर रेखा के बीच की जो कंट्रीज हैं उनको एक्चुअली इसका मेंबर बनाने की यहां पे बात की जा रही है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है, इसका ऑब्जेक्ट ये रखा गया है कि भाई हमें जो भी हो 2030 तक अप्रोक्सीमेट 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस करनी है। तो इसका प्रावधान रखा गया है। इसे मेनली बनाया गया था वो बनाया गया था 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था उस दौरान इसकी बात की गई थी कि हमें एक सोलर अलायंस ग्रुप है वो बनाना चाहिए और उसमें हमें सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस है वो करना है। तो उसके तहत इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें वो ध्यान रखनी कि भाई सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को होता है टेक्नोलॉजी है उसका एक्सचेंज करने के लिए कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए इसका प्रावधान वगैरह सारे काम है वो क्या किए गए ताकि ग्लोबल जो भी डिमांड है उसको कंप्लीट है वो किया जा सके। आगे देखते हैं, आगे इसकी बात आती है कि ये कब एक्टिव फॉर्म है। तो इसे लास्ट ईयर ही एक्चुअली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दर्जा वो दिया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अब यह बॉडी है वो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बन गई है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया वो है पेमेंट बैंक के बारे में। तो आजकल 2-3 दिन से एक आर्टिकल आ रहा है वो आ रहा है पेमेंट की इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है उसको पेमेंट बैंक का दर्जा है वो दे दिया गया और भी वो एक्टिव फॉर्म में आ गया 1 अप्रैल से लेके। तो यूपीएससी देखो पेमेंट बैंक के बारे में एक बार पहले भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं 2015 में तो वापस भी पूछ सकती है इसके फीचर्स के बारे में। तो ये फीचर्स हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक तो पेमेंट बैंक है वो करंट अकाउंट की डिपॉजिट है वो भी ले सकते हैं और सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट है वो ले सकते हैं जैसे कासा बोलते हैं तो करंट और सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट है वो ले सकते हैं। इसी के साथ सबसे बात रहती है कि ये फिक्स डिपॉजिट है वो नहीं ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि एफडी वगैरह इनमें नहीं करवाई जा सकती। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते मतलब लोन वगैरह ये नहीं दे सकते क्योंकि क्रेडिट कार्ड है वो एक तरीके से लोन की ही प्रक्रिया होती है।
इसके बाद में आती है डेबिट कार्ड, तो हाँ जी डेबिट कार्ड ही बिल्कुल दे सकते हैं। और अगला है वो ये कि NRI वगैरह इसमें अकाउंट वगैरह नहीं खोल सकते। तो UPSC ने जब 2015 में ऑप्शन पूछा था तो उसमें लिखा था कि क्या ये क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इम्पोर्टेंट फीचर है वो इसके साथ यहाँ पर हो जाता है। टारगेट कौन होंगे, देखो पेमेंट बैंक का मेरे लिए प्रावधान ये किया गया है ताकि हमारे देश का जो रूरल एरिया है, जो मार्जिनल एरिया है ना, कि जहाँ पे लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, उन लोगों के पास जो बैंकिंग एक्सेस है वो पहुँचाया जाए। इसके लिए पेमेंट बैंक की स्टार्टिंग है वो की गई थी। और ये ध्यान रखना कि पोस्ट ऑफिस है वो इंडिया का पहला कोई ऐसा पेमेंट बैंक नहीं है। अभी एयरटेल के पास भी है, पेटीएम के पास भी है, वोडाफोन के पास, बहुत से ऐसे बैंक हैं जिनके पास पेमेंट बैंक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो वर्ल्ड हिंदी जो कॉन्फ्रेंस है WHC, ये एक्चुअली अगस्त 2018 में मॉरिशस में होने वाली है। तो उसको लेके है आर्टिकल है। तो इस बार की थीम क्या होगी, इस बार की थीम है वो है वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति। तो थीम हमें ध्यान रखनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में थीम है वो सेम ही है। मिनिस्ट्री कौन सी इसके लिए, मिनिस्ट्री वो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वो आयोजित है, वो होस्ट है वो की जाएगी अगस्त 2018 में मॉरिशस में। और जो लास्ट कॉन्फ्रेंस थी वो एक्चुअली होस्ट की गई थी 2015 में। ये ध्यान रखना कि ये जो कॉन्फ्रेंस है हर 3 साल में एक बार होस्ट होती है। तो लास्ट ईयर लास्ट कब हुई थी, ऑब्वियसली 2015 में हुई थी, वो हुई थी इंडिया के भोपाल में। और तभी ये प्रावधान हो गया था कि भाई अगली जो 2018 में होगी वो होगी मॉरिशस में। तो इसलिए जो इस बार होने वाली है 2018 में कॉन्फ्रेंस वो मॉरिशस में होगी। पहले सबसे पहले जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की, वो हुई थी 1975 में इंडिया में, नागपुर में इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी। कौन होस्ट करता है इसको, इसको होस्ट किया जाता है ओब्वियसली वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट के द्वारा। तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है उसको एक्चुअली इसलिए बनाया गया था ताकि हिंदी को प्रमोट किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पे हिंदी का जो सहयोग कोलैबोरेशन है उसको भी आगे बूस्ट किया जा सके। और यूनाइटेड नेशन के अंदर भी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात को लेते हुए जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है वो बनाया गया था। किसने बनाया था, यह बनाया था इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एक्चुअली मॉरिशस में। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट है उसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है। तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है जो UPSC पूछ सकती है हिंदी कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यार हिंदी कॉन्फ्रेंस तो मे बी इंडिया में होगी ऐसा कुछ है, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉरिशस में है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है PMNCS डेलीगेशन के बारे में। तो देखते हैं PMNCS डेलीगेशन है क्या। देखो PMNCS का मतलब यह है पार्टनरशिप फॉर मेटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ इज अलायंस। तो मतलब एक तरीके से आपको बता दूं कि एक पार्टनरशिप है जिसमें मेटरनल बेनिफिट को काउंट किया जाएगा, न्यू बॉर्न बेबी की जो हेल्थ है उसको काउंट किया जाएगा, इसका चाइल्ड हेल्थ है उसको कंसिडर किया जाएगा, और एक तरीके का अलायंस का ग्रुप है। मतलब इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूशन है उन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया है, एक अलायंस बनाया है जिसमें अप्रोक्सीमेट 1000 से ज़्यादा ग्रुप हैं वो बने हुए हैं और 77 कंट्रीज में इसने अपना एक अधिकार, मतलब एक तरीके से अधिकार तो नहीं बोल सकते आप, ग्रुप है वो बनाया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये डेलीगेशन है क्या, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है, वो भी कौन सी, मेटरनल हेल्थ, न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ, इनके साथ मिलकर एक अलायंस है ये। अब ये काम क्या करेगा, इसका काम ये होगा कि हमारे देश में एक्चुअली जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्टिव मेटरनल न्यू बॉर्न और चाइल्ड एंड एडोल्ट एंड जो हेल्थ है उनको एक्चुअली प्रमोट करना। मतलब सीधी सी बात यह है कि सेक्सुअल हेल्थ है उसको प्रमोट करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको प्रमोट करना, मेटरनल हेल्थ है, न्यू बॉर्न बेबी की जो हेल्थ है, डिजीज वगैरह हो जाती है उन सबको कंट्रोल करने के लिए ही इस डेलीगेशन की स्थापना है वो की गई थी। मतलब इन सबको इंप्रूव हो गया जा सके, ये इसका मेन एम है वो है। कौन इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसकी एक सेक्रेटेरिएट बनाएगी है। अब उस सेक्रेटेरिएट बनाएगी वो बनेगी WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको होस्ट है, इसकी सेक्रेटेरिएट को एडमिनिस्ट्रेशन होस्ट वगैरह करता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, है क्या, एक तरीके का ये ग्रुप है जिसमें एक्चुअली पार्टनरशिप में बनाया गया है, काफ़ी इंस्टीट्यूशन काफ़ी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि संस्थाएँ हैं जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना है वो की है। हाँ, हमने देखा कि जो सेक्सुअल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, मेटरनल हेल्थ को, न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ है उन सबको इम्प्रूव करने के लिए इसकी स्थापना है वो की गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी फोरम को लेकर, IEF के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम है उसका जो 16 जो फॉर्म है वो एक्चुअली इंडिया में इस बार होस्ट है वो की गई है न्यू दिल्ली में। तो वो कंटेक्स्ट है, तो हम आगे इसके बारे में देखते हैं। और जो को होस्ट किया गया है, जो उसको को होस्ट करने वाले वो हैं चाइना और कोरिया। तो ये चीज़ भी थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब है क्या इंटरनेशनल एनर्जी फॉर्म, इंटरनेशनल एनर्जी फॉर्म है वो एक्चुअली ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए इसकी स्थापना है वो की गई थी। मतलब इसका मेन काम ही होता है कि भाई हमें एनर्जी को सिक्योर करना है, उसके लिए आपस में इसमें क्या होगा, डिफरेंट कंट्रीज़ है ना जो कि इसके मेंबर हैं। अब इसकी कंट्री वो अप्रोक्सीमेट 72 या 77 के आसपास इसके मेंबर हैं। तो उन कंट्रीज़ के जो भी
एनर्जी मिनिस्टर से ना वो आपस में आएंगे और यहाँ पे फोकस करेंगे कि भाई हमें एनर्जी को किस तरीके से आगे लाना है और हमें एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करना है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस एनर्जी है, इन दोनों को साथ लेते हुए चलना है और एनर्जी को इस तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि किसी को लॉस भी ना हो और ऐसा भी नहीं हो कि एनर्जी एक साथ पूरी खत्म भी हो जाए, मतलब हमें प्रॉपर ढंग से एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो करना है। तो इसलिए आप इसमें होगा ये कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं इसके सदस्य हैं उनके एनर्जी मिनिस्टर्स आएंगे और वो आपस में लार्जिंग गैदरिंग आपस में मीटिंग वगैरह बातचीत वगैरह करेंगे, ट्रांसमिशन पे फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी पे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों पे फोकस है वो यहाँ पे किया जाएगा। थीम क्या है इस बार की? थीम ये हो जाती है द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये थीम ध्यान रखनी है, यहाँ पे थीम है जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हो जाती है। इसके बाद में आते हैं इसका इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, जो उसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट है वो रियाद में है, रियाद कहाँ पे? सऊदी अरब में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और 2 साल में इसकी मीटिंग है वो एक बार होस्ट हो की जाती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंडिया ने इस बार इसको होस्ट है वो किया है, 2 साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। थीम इंपॉर्टेंट है वो देख लेना है क्या, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ एनर्जी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्री के जो डिफरेंट कंट्री के जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं वो आपस में आके गैदरिंग बातचीत वगैरह करेंगे और जो भी इश्यूज हैं एनर्जी से उनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है वो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है वो एक्चुअली यूएस का एक थिंक टैंक है जिसके द्वारा जारी किया गया, क्या नाम उसका, हेरिटेज फाउंडेशन। तो ये ध्यान रखना कि यूएस का एक थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन, उसके द्वारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है वो जारी किया गया है। किस आधार पर? नाम से पता चल रहा है कि वर्ल्ड की जो सभी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम को शो करने के लिए इस इंडेक्स की जा रही है वो किया गया है। इसमें जो रैंकिंग है वो मेनली एक्चुअली जो स्कोर है वो दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है 0 से 100 के बीच में। 0 का मतलब वहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं है उस कंट्री में, और 100 का मतलब होगा कि वो सबसे फ्री कंट्री है इकोनॉमी के मामले में। तो इसमें कुछ स्कोर का पैरामीटर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखते हैं भाई इंडिया का भी क्या स्कोर रहा है। इंडिया का जो स्कोर रहा है इसमें वो रहा है 54.5, और ऑल ओवर रैंकिंग देखा जाए तो 186 कंट्रीज़ में इंडिया का स्थान है वो है 130वां। तो यूपीएससी आपको पता है रैंकिंग वगैरह तो नहीं पूछने वाली, मतलब इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी भी नहीं है। यूपीएससी ये पूछ सकते हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ में क्या हाल है इंडिया, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में इंडिया है वो ठीक ठाक भी आप बोल सकते हो, जो ज़्यादा अच्छे भी परफॉर्म नहीं कर सकिए, क्योंकि दो जो ब्राज़ील है उसकी रैंकिंग है वो है 153, रशिया की है वो 107 है, इंडिया की है वो है 130, चाइना की है वो 111, और जो साउथ अफ्रीका है उसकी है 77। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि भाई साउथ जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें एक्चुअली हमसे आगे कौन कौन है। हमसे आगे चाइना है यहाँ पे, इसके बाद में साउथ अफ्रीका है वो भी हमसे यहाँ पे आगे है, और रशिया है उसकी भी हमसे आगे ही रही है। तो ये चीज़ कुछ हमें ध्यान रखनी, केवल ब्राज़ील है वो हमसे यहाँ पे पिछड़ा हुआ है। अब देखो इसका काम क्या है एक्चुअली, किस पैरामीटर के आधार पर इसने, ये काफ़ी पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे एक तो वर्ल्ड बैंक के डाटा है उसको यूज़ करते हैं, इसके साथ जो IMF है उसके डाटा को यूज़ किया जाता है, इसके साथ जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस है उनके डाटा को यूज़ किया जाता है, और इसके साथ काफ़ी जैसे और भी जहाँ से भी मतलब वो डाटा मिल जाता है काफ़ी ऑथोराइज डाटा मिलने की कोशिश करते हैं, और उस डाटा को एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी के आधार पर चेक करते हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके द्वारा भी जो डाटा मिलता है उस डाटा को भी ये लोग हैं या ये इंस्टीट्यूशन वो यूज़ करता है थिंक टैंक, उसके बाद में जारी है वो करता है। तो ये इसके बारे में न्यूज़ थी, ध्यान रखना है हमें कि US के बेसिक थिंक टैंक है उसके द्वारा इसको जारी है वो किया गया। अगला जो आर्टिकल है वो है ट्रांसपेरेंट पेज के बारे में, ट्रांसपेरेंट पेज इसका दूसरा नाम यहाँ पे हुआ सिंथल रेप के बारे में। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या ये है? यह एक्चुअली एक तरीके का आप बताऊँ कि ट्रांसपेरेंट पेपर टाइप की चीज़ है जो कि फूड वगैरह के ऊपर लगा दी जाती है, मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ। तो फूड वगैरह के ऊपर अगर इसको लगा दिया जाए तो उसका फायदा ये होता है कि अगर जो ही फूड कंटेमिनेट या फूड में जो जीवाणु वगैरह फैल जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया बनने लग जाएंगे, तो मतलब क्या हुआ कि फूड वो खराब होने लग गया, तो उस कंडीशन में यह क्या होगा, एक मोबाइल डिवाइस या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उससे कनेक्ट होगा, ये रेप जो सेंथल रेप है ये, अब ये कनेक्ट होगा तो क्या करेगा, ये वहाँ पर सिग्नल भेज देगा कि भाई खाना है वो खराब हो गया, तो मतलब अब जो खाना है वो खाने लायक नहीं है। तो इसका काफ़ी सारा यूज़ हो सकता है, इसका देखो मेडिकल सेक्टर में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में वहाँ पे घाव वगैरह को चेक करने के लिए कि भाई घाव और ज़्यादा तो नहीं बिगड़ रहा है, कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इस रेप का यूज़ करते हुए, ताकि ये पता चले कि भाई घाव किस तरीके से रिकवर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया तो रिकवर हो या नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ये बता देगा कि भाई हालत ज़्यादा और ख़राब हो रही है तो बता इंडिकेट कर देगा कि हाँ भाई जो भी यहाँ पे जीवाणु वगैरह वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इसका बेसिक काम होगा, और इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये मतलब जो फूड वगैरह
वगैरह की क्वालिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बस केवल फूड के अंदर जो ही वहाँ पे जीवाणु वगैरह फैल जाएंगे तो उनको मॉनिटर कर लेगा और एक अलर्ट जो है वो जारी कर देगा जो भी इससे डिवाइस कनेक्ट होगा, चाहे मोबाइल हो या फिर जो भी डिवाइस हो कंप्यूटर वगैरह, जहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन वो भेज देगा। तो UPSC पूछ सकते हैं सेंथल रेप के बारे में। तो सेंथल रेप है, इसको एक्चुअली कनाडा की एक इंस्टीट्यूशन है उसने भी डेवलप है वो किया है। ध्यान रखना कि सेंथल रेप या ट्रांसपेरेंट पेज है वो क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे UPSC के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।